साल 1948 को मंगोलियन पैलियोंटोलॉजिस्ट के एक दल गोबी डेजर्ट के तरफ एक मिशन पर निकले और उन वैज्ञानिकों का कार्य गोबी डेजर्ट के अंदर दबे कुछ डायनासोर के अवशेष ढूंढने थे। पर यह काम इतना आसान नहीं था क्योंकि उस बंजर भूमि का तापमान रात के समय शून्य से भी नीचे चला जाता है और यह सर्दी बिना तैयारी के गए लोगों की जान भी ले सकती है। वहीं दिन के समय यहां मौजूद रेत काफी गर्म हो जाती है और दूर दूर तक रेत के अलावे कुछ भी नहीं दिखता। पर उन वैज्ञानिकों की मेहनत धीरे धीरे रंग ला रही थी और उन्हें रेत के अंदर दबे कई डायनासोर्स और टर्टल्स के अवशेष मिल रहे थे। कई दिनों के बाद मिले किसी के पंजे के नाखून के 3 छोटे टुकड़े पर पड़ी जो उन्हें नेमकेट नामक स्थान पर मिले थे। उस स्थान की जब और खुदाई की गई तो उन्हें एक थेरोपोड के सिर के कंकाल के सामने ठीक वैसे ही नाखून मिले जो उन्हें पहले प्राप्त हुए थे, पर इस बार ये नाखून अपने पूरे आकार में था। साथ ही उस जीव का पूरा कंकाल भी मिला और जब उन्हें जोड़ा गया तो उससे बनने वाला जीव को देखकर सभी चौंक गए क्योंकि आज तक उन्होंने इतने बड़े नाखूनों वाला डायनासोर नहीं देखा था और ना ही इसके बनावट जैसे संरचना किसी और डायनो के थे, क्योंकि इसके जोड़े गए कंकाल ही किसी को डराने के लिए काफी थे। बाद में इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जब इसकी 3D संरचना बनाई गई तब वैज्ञानिकों ने इसके नुकीले नाखून को देखकर इसे थेरिजिनोसोरस कहा, जिसका अर्थ सायत लिजार्ड या हथियारों जैसे नाखूनों वाला छिपकली होता है। थेरिजिनोसोरस के कंकालों की उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया और तब जाकर पता लग पाया कि थेरिजिनोसोरस लगभग 7 करोड़ सालों पहले मध्य एशिया और नॉर्थ अमेरिका के भी कुछ हिस्सों में रहा करते थे, जो लंबाई में 30 से 33 फीट और करीब 3 टन भारी हुआ करते थे। थेरिजिनोसोरस को उसके लंबे गर्दन और एक मुड़े चोंच होने के कारण इसे काफी सुस्त जीव माना जाता है, क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक इस डरावने जीव का ज्यादातर वक्त खाना को निगलने में ही बीतता था। इसके बावजूद ये अपने 2 पैरों की सहायता से 27 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते थे। थेरिजिनोसोरस के 4 लिम्स काफी मजबूत होते थे और उन पर उभरे 3 अंगुलियों पर नाखून का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि ये काफी नुकीले मुड़े हुए और करीब 3 फीट लंबे पाए जाते थे, जिसका इस्तेमाल ये पौधों को काटने और कुछ हद तक अपनी रक्षा करने के लिए भी किया करते थे। इसके अलावे शिकारी डायनो के वार से बचने के लिए इसमें मौजूद फेदर्स और स्ट्रॉन्ग मसल्स भी काफी सहायक साबित होती थी। पर हम कार्निवोरस डायनो में ऐसी ही समानता के जीव के बारे में बात करें तो कुछ हद तक सबसे विशाल थेरोपोड यानी कि स्पाइनोसोरस का नाम आता है। जिसे क्रिटेशियस पीरियड में नॉर्थ अफ्रीका का बेताज बादशाह कहा जाता था। इस शिकारी डायनो के पंजे में लगे 3 नुकीले नाखून करीब 1 से 1.5 फीट तक हुआ करते थे, जो किसी मांस से लेकर हड्डी तक को गहरा घाव दे सकते थे। इसके बावजूद इसके कॉनिकल दांत इसे और भी डेडली बनाते थे और इसकी लुक भी किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। आकार में स्पाइनो बेशक थेरी से अधिक था, जो आसानी से थेरी के गर्दन तक पहुंच सकता था, और इन्हें क्या चाहिए। पर यह इतना भी आसान नहीं था क्योंकि थेरिजिनोसोरस कुछ मामले में स्पाइनो से काफी आगे थे, जैसे कि तेज नजर, स्पीड, बेटर सेंस और तेज लंबे क्लोज। पर थेरी की लंबी गर्दन इसके लिए मुसीबत बन सकती थी और ना ही थेरिजिनोसोरस को लड़ने का कोई खास एक्सपीरियंस भी था। वहीं दूसरी ओर स्पाइनोसोरस करोड़ों साल पहले का खूंखार शिकारी हुआ करते थे, जिसे पेट भरने के लिए लड़ाई करनी पड़ती थी और इन्हें ये भी पता था कि किस शिकार के किस अंग पर हमला करना है। वैसे तो स्पाइनोसोरस और थेरिजिनोसोरस की फाइट पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर सचमुच में ऐसा होता तो किसी भी स्थान पर, चाहे वो पानी हो या जमीन, हर जगह स्पाइनोसोरस थेरिजिनोसोरस पर भारी पड़ता। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।